धन्यवाद। नेक्स्ट श्री सत्यपाल सिंह जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। मैं सबसे पहले इस विधेयक का, इस बिल का मैं समर्थन करता हूं और हमारे, मैं अपनी बात इस बात से शुरू करना चाहता हूं जहां पर हमारे मित्र श्री राजीव प्रताप रूडी जी ने इसको समाप्त किया था कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या है। जीवन उच्च बनता है, व्यक्तिगत जीवन भी शिक्षा से उच्च बनता है, समाज का जीवन भी उच्च बनता है। और अगर हम राष्ट्र को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश को जो आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, 2047 तक पूर्ण विकसित भारत बनाना चाहते हैं, विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ये जरूरी है कि हमारे सभी क्षेत्रों के अंदर ऐसा कोई भाग न बचे, ऐसा कोई क्षेत्र न बचे, कोई वर्ग ऐसा न बचे जिसको हम उच्च शिक्षा से विभूषित न कर सके। शिक्षा के बारे में, शिक्षा की जो महत्ता है इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन बचपन में हम लोग एक श्लोक याद करते थे, न चोर हार्यम न राजहार्यम न भ्राता भाज्यम न च भारकारी, व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। ये धन ऐसा है जिसको चोर ले जा नहीं सकते, जिसको राजा छीन नहीं सकता, जिसको भाई बांट नहीं सकता, जिसको जितना खर्च करते हैं उतनी विद्या बढ़ती है। इसे दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई धन है, सबसे बड़ा अगर कोई ताकत है, उसका नाम जो है हम विद्या कहते हैं, उसका नाम हम शिक्षा कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ मूलभूत बातें थोड़ा करना चाहता हूं। जब से धरती पर मानव आया, हमारे पूर्वजों ने इस शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया। अगर मानव का निर्माण करना है तो उसके लिए अच्छी शिक्षा चाहिए। अभी हम कह रहे थे शिक्षा क्या हो, और मैं इसलिए इस बताना चाहता हूं, आदरणीय हमारे शिक्षा मंत्री जी भी यहां पर बैठे हैं, चाहे स्कूल हो चाहे यूनिवर्सिटीज हो, शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य शिक्षा है या विमुक्ति है। शिक्षा वो है जो हमको बीमारी से, बेकारी से, बेरोजगारी से, गरीबी से, उनसे मुक्ति दिला सके, और उसके साथ मुक्ति दिलाने के साथ साथ एक अच्छा इंसान बना सके, मानवभाव जनिया दैव्यम जन्म, अच्छा हम इंसान बना सके और हम अच्छे देवता समाज के अंदर पैदा कर सके, वो शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। और इसलिए हमारे जो कई बार हम लोग कहते हैं, अगर हमको कोई लंबाई नापनी हो, हमको जो है हम जो मीटर में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, अगर किसी चीज का वजन नापना हो हमको किलोग्राम में नापना पड़ता है या जाओ हमको टनों में नापना पड़ता है, अगर आदमी का किसी समाज की उन्नति का, प्रगति का पैमाना अगर नापना हो, किसी राष्ट्र की प्रगति का अगर कोई पैमाना है, तो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा वो कैसा समाज होना चाहिए, उसका पैमाना क्या है, और उन्होंने कहा कि आदमी के आनंद का सबसे पहला पैमाना क्या है, उसकी इकाई क्या है, उसकी डिजिट क्या है। उन्होंने कहा था हमारे 33 उपनिषद में शिक्षा बल्ली में बात आती है, युवा शात साधु युवा अध्यापक है आशिष्ट है दर्दिष्ट हो बलिष्ट है तस्य पृथ्वी वित्तस्य पूर्णाशात स एको मानुष्य आनंद है। कैसी शिक्षा होनी चाहिए, जो अच्छा चरित्रवान बना सके, जो अच्छे जो है अच्छे शिक्षित सुसंस्कृत बना सके, शरीर से मन से आत्म से बलिष्ठ बना सके। तो जब कहते हैं वो मनुष्य का सबसे पहले किसी भी देश को नापने का, वो देश कितना प्रगति से उसका उसका होता है। हम लोग कई बार जो है अपने देश के बारे में बोलते हैं कि नालंदा और तक्षशिला की हम बार बार बात करते हैं कि नालंदा और तक्षशिला जो है हमारे इतने बड़े विश्वविद्यालय थे, लेकिन मैं कुछ दूसरे विश्वविद्यालयों की बताना चाहता हूँ। वैसे तक्षशिला के बारे में भी ये बताना चाहता हूँ, ये वो तक्षशिला विश्वविद्यालय जहाँ जो पाकिस्तान के अंदर गांधार के अंदर है, ये महाभारत कालीन तक्षशिला विश्वविद्यालय जिसमें ऋषि धूमकेतु उपमन्यु अरुणी और वेद ने शिक्षा ग्रहण की, जिस विश्वविद्यालय के अंदर चाणक्य पाणिनि चरक जीवक और जिसमें लगभग 10,500 विद्यार्थी पढ़ते थे और 2,000 उसमें आचार्य होते थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की तक्षशिला और नालंदा थी, इसी प्रकार का राज तरंगणी में कल्याण में जो कश्मीर का जिसने इतिहास लिखा है उसने कहा कि शारदा विश्वविद्यालय था जिसमें 15,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। ये मध्य एशिया का सबसे बड़ा जो विश्वविद्यालय था, सौराष्ट्र गुजरात का बल्लभी विश्वविद्यालय था, मगध का विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, ओडिशा का औदंतपुरी जगदल्ला उदयगिरी रत्नागिरी ललितगिरी पुष्पगिरी कलिंग का बहुत बड़ा जो है वो विश्वविद्यालय था। इसी तरह बंगाल का नवदीप सोमपुरा विक्रमपुरा नवदीप विश्वविद्यालय तो इतना प्रसिद्ध रहा, वहां से हलायुद
धोई, उमापति और गीत गोविंद के लिखने वाले जयदेव जैसे विद्वान वहां पर पैदा हुए। दक्षिण भारत के अंदर धारा, कांची, एनीवीरम, बेलग्राम, सारोतगी, तिरुमुक्कुरल, मलकापुरम, तिरुवेयूरूर, नगर, भुजभलेश्वर, बीजापुर, मन्नगोली, अग्रहार, नागार्जुनकोंडा, मणिसेत, इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय इस देश के अंदर थे। और कई बार हमारे लोग ये कहते हैं कि एक लोगों में एक इंप्रेशन पैदा हो गया कि अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने यहाँ पर शिक्षा दी। लेकिन मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ इस सम्मान्य सदन को, थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर थे और उन्होंने 1822 के अंदर 1822 में एक वहां पर सर्वे किया था। उन्होंने कहा था कि गांव गांव में उसमें पाठशालाएं थी, बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, 30% शिक्षक जो दलित वर्ग से आते थे, 60% विद्यार्थी जिसको हम शूद्र या पिछड़े वगैरह उनके आते थे। इसी तरह का सर्वे बॉम्बे में किया गया, जीएल पंडर को गास्ट और जीडब्ल्यू रिडलर ने 1832 में। विलियम वार्ड ने एक पुस्तक लिखी है, कई बार हम बोलते हैं कि देश में जो लड़कियों के लिए जो शिक्षा शुरू हुई वो हमारी ज्योतिबाई फूले की, जो सावित्रीबाई फूले ने की, लेकिन उससे पहले एक अंग्रेज ने किताब लिखी है दे हिंदूज के, एक उसका जो फोर्थ वॉल्यूम है हिस्ट्री लिटरेचर एंड माइथोलॉजी, जो 1811 में लंदन में पब्लिश हुई, उसमें उन्होंने लिखा है कि बंगाल के जो जसोमत राय की पत्नी हती विद्या अलंकार ने बनारस के अंदर, जस्ट आई विल टेक 2 मिनट्स एंड आई विल फिनिश इट, 2 मिनट से समाप्त कीजिए, 1805 में उन्होंने इसको जो है शुरू किया। मैं शिक्षा की मैं बात कर रहा था, आर्य समाज ने 1800 में जालंधर में केवल लड़कियों के लिए जो है विद्यालय शुरू किया। इसी तरह से जब मैं, हमारे पास इतने उदाहरण हैं, हम कह सकते हैं कि इस देश के अंदर की विद्या की कितनी कीमत थी। मैं, हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे जरूर एक निवेदन करूंगा और भारत सरकार से भी एक निवेदन करूंगा कि हम लोगों ने, हमको यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए। एक किसी यूनिवर्सिटी को हम ट्राइबल का नाम देते हैं, मुझे थोड़ा सा ये बड़ा अच्छा लगता है। ये अंग्रेजों ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त को हम पूरे देश की जनता को 5 प्रण दिलवाए थे, उसे एक 5 प्रणों में एक प्रण ये भी था कि गुलामी की सारी निशानी हमको खत्म करना है। जब हम कहते हैं ये आदिवासी है, इसका मतलब दूसरे के सब गैर आदिवासी हैं। आदिवासी का मतलब ये यहाँ के मूल निवासी हैं, गैर आदिवासी का मतलब यहाँ के मूल निवासी नहीं है। ये जो डिवीजन, ये जो विभाजन इस देश की जनता के साथ किया है, मुझे लगता है इस पर जो है दोबारा विचार करने की जरूरत है। और ये जो बात शुरू हुई थी सिंधु घाटी में, जिसको हम बोलते हैं, ये व्हीलर ने जो बात शुरू की थी कि बाहर से लोग आए, आर्यन ने आकर के इस देश को, सिंधु घाटी के ऊपर हमला किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म किया, इस बात को पूरी तरह से खत्म किया जा चुका है, इस थ्योरी को डिबंक किया जा चुका है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। मैं जरूर 2 नाम लेना चाहता हूं, डॉक्टर रामजी सिंह, जिसको जो कहते हैं डीएनए के, देश में डीएनए के जिसको फादर माना जाता है, उनका 2011 में नेचर में जो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध साइंस की मैगजीन है, उसके अंदर इंडियन का डीएनए प्रोफाइल पब्लिश हुआ। डॉक्टर बसंत शिंदे का 2019 में हुआ। हम सब लोगों का डीएनए एक है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हम सब लोग हैं। एक जरूर बात मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से, मैंने ये निवेदन हमारे बागपत में किया था, हमारा 100 साल से ज्यादा पुराना एक कॉलेज है, उसमें जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के विद्यार्थी पढ़ते थे। मैंने उसके लिए निवेदन किया है, उसको जो है उसका उच्चीकरण किया जाए और उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री डीन कुरियाकोस।